छोला तो आपने कई तरह से अपने घर में बनाया होगा, लेकिन आज मैं जो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और मजेदार छोले, जिसे हम पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे। ये पंजाबी छोले हैं, इसे पंजाब में अमृतसरी पिंडी छोले भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसे भटूरे, नान, रोटी, चावल किसी भी चीज के साथ बहुत ही आराम से खा सकते हैं और बनाना बिल्कुल भी आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी पंजाबी छोले की। चलिए पंजाबी छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने 1.5 कप काबली चने को रात भर पानी में इसे सोख कर दिया था और ये अब फूलकर बहुत ही अच्छे हो गए हैं। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और धोकर साफ सुथरा कर लिया है। तो इसे सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे क्योंकि इसे हमें बॉईल करना है। तो लीजिए, सारे छोले को हमने इसमें डाल दिया और इसे मैं साइड में रख रही हूँ। एक इस तरह से हम कोई भी सूती कपड़ा लेंगे छोटा सा और इसमें हम एक पोटली बनाएंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 दालचीनी की स्टिक, 2 लौंग, 1 इलायची, हरी इलायची, आप चाहे तो बड़ी इलायची हो वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाय पत्ती, या फिर आपके पास टी बैग हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको हम इस तरह से बांध देंगे और एक पोटली बना लेंगे। देखिए इस ढंग से, और इस पोटली को इसी में हम डाल देंगे कुकर में। और इसमें 1 टीस्पून हम सॉल्ट डालेंगे ताकि हमारी जो चने हैं अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और इसमें पानी हम इतना डालेंगे ताकि हमारे चने सिर्फ इस पे डूब जाए। बहुत अधिक पानी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ चने को हमें इसमें डुबोना है। देखिए, ये छोटी ग्लास से हमने इसमें 1 ग्लास डाला है और ये पोटली आपको इस तरह से बीच में रख देना है। तो चलिए अब इसे हम बॉईल करेंगे और इसे कम से कम आप फर्स्ट सीटी तो हाई फ्लेम पर रखिए, उसके बाद आप 5 से 6 सीटी इसको मीडियम पे लगा लीजिए, तब हम इसे रेस्ट होने देंगे, अपने आप इसके प्रेशर को निकलने दीजिएगा। तो चलिए इसकी सीटी लगा लेते हैं, इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हमारे छोले हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और उसे अभी हमने उतार कर रख दिया है। तब तक हम आइए उसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल लीजिए छोटा सा और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर एंड 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो मेथी के दानों को आप पाउडर बनाकर उसको ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हम डालेंगे अब ये आमचूर पाउडर। तो 1 बड़ी चम्मच से हम आमचूर पाउडर डालेंगे, मीन्स 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा लगता है छोले का। अभी इसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट हम जब हम मसालों को भूनेंगे उसी समय डालेंगे। चलिए इसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसे हम भून लेते हैं। और इस छोले को कई जगह पे अमृतसरी पिंडी भी कहते हैं। पंजाब में ये बहुत ही फेमस है, इस तरह का छोला बनाना खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये एक मसाला तैयार हो गया है छोले के लिए। चलिए अब हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेम को देखिए हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। और इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे, ये मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ, इसमें 3 टेबल स्पून हम सरसों ऑयल डालेंगे। आप जिस ऑयल का यूज करते हैं आप उसी में बनाइए। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा जीरा, ये 2 तेजपत्ते, 1 पिंच हींग। इससे बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आप हींग का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें रोस्ट होने दीजिए। अब हम इसमें ये 2 बारीक बारीक हमने प्याज को काट कर ले लिया है, मीडियम साइज की प्याज है। आप बारीक जितने काटिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, इसकी ग्रेवी बना लेंगे। हमें चलिए अब ये हम हल्का सा रेडिश कर लेते हैं प्याज को।
देखिए प्याज हमारी हल्का हल्का रेडी हो चुकी है। आइए इसमें अब हम डालेंगे ये एक बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मींस एक टेबल स्पून, और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। अब छोले को चेक करते हैं, इसकी प्रेशर निकल चुकी है। वाह देखिए इसमें ये पोटली जो है इसे हम निकाल देंगे, और इसमें देखिए अच्छी तरह से हमारे छोले शायद सिक भी गए हैं। देखिए इसे मैं आपको इस तरह से कर दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये टूट जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से छोले पके हैं। तो चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके छोले सिर्फ सॉल्ट डालने से अच्छे नहीं पकते हैं तो आप इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं जिस समय इसे बॉइल कर रहे हैं, उससे भी छोले बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ सॉल्ट ही डालते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। तो चलिए अब मसालों को हम अपने देखते हैं। देखिए हमारी प्याज लहसुन ये सब पक चुकी है इसमें प्याज के साथ लहसुन अदरक भी। तो चलिए इसमें अब हम डालते हैं, ये हमने एक बड़ी टमाटर को बारीक ग्राइंड करके लिया है, मीन्स इसे आप या तो पेस्ट बना लीजिए या बारीक बारीक इसे काट कर भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बारीक इसकी पेस्ट बना ली है। अब आप इसमें टमाटर को अच्छी तरह से मिलाइए और इसे अब हम थोड़ी सी इसमें पकने देंगे ताकि टमाटर का कच्चापन थोड़ा खत्म हो जाए। देखिए 2 मिनट तक हमने इसमें टमाटर को भी पका लिया है। अब हमने जो ये मसाले बनाए हैं इसे अब हम इसमें डाल देंगे और इसी वक्त हम सॉल्ट भी इसमें टेस्ट अनुसार डालेंगे। तो आप सॉल्ट ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी सॉल्ट डाला था। तो चलिए मैंने अपने अंदाज से सॉल्ट डाल लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर ढक ढक कर हम मसालों को पकने तक अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। आइए हम अपने मसाले को देखते हैं। वाह देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। आपके मसाले अच्छे पकने चाहिए तभी आपके छोले बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि अगर मसालों में कच्चापन रहेगा तो छोला का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं बनेगा। और इस छोले को आप रोटी नान तंदूर मिंस भटूरा बहुत सारे चीजों के साथ चावल के साथ खा सकते हैं। चलिए अब हम अपने छोले को इसमें डाल देते हैं, और अगर आपके छोले में थोड़ी सी पानी बची हो तो आप उसे अलग से निकाल कर रख लीजिए ताकि बाद में इसमें ऐड करने में आप उसी पानी को यूज कीजिए, ऊपर से आपको अलग से पानी न डालना पड़े। हमारे छोले में तो पानी नहीं बचा था, अच्छी तरह से ये उसी में सूख गए थे। अब इस छोले को अच्छी तरह से मसालों में हम मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाकर इसे ढककर 2-3 मिनट और भी इसमें पका लेंगे। आइए हम अपने छोले को देखते हैं। वाह देखिए अब इसे हमने 2-3 मिनट तक इसमें पका लिया है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब आप इसमें थोड़ा सा इस छोलों को इस तरह से मैश कर दीजिए या कलछी की सहायता से या मैशर से। तो मैं इसे थोड़ी सी कलछी से इस तरह से मैश कर देती हूँ, इससे क्या होता है ये छोले बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रेवी भी बन जाती है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत अधिक नहीं मैश करिएगा, सिर्फ थोड़ा सा। और चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी पानी को ऐड करेंगे। तो इसे बहुत पतला हमें नहीं बनाना है, हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे। इसमें हमने एक छोटी गिलास पानी डाला है, आप अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पानी मैं और डाल रही हूँ, और अब इसे हम बस 1 से 1.5 मिनट तक और इसमें पका लेंगे ग्रेवी में। आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे ढककर पका लीजिए, अगर आप अधिक ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए। देखिए अब अच्छी तरह से इसे बॉइल होने लगा। आइए इसमें थोड़ी सी हम इस तरह से धनिया की पत्तियों को डाल देते हैं। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छे ये पंजाबी छोले बनके रेडी हैं।